उमरिया जिले में मरीजों, घायलों और गर्भवती महिलाओं को त्वरित इलाज के लिए तैनात 108 एम्बुलेंस और जनरी एक्सप्रेस के पहिए जाम। मेंटेनेंस न होने से चालकों ने खड़े किए वाहन। ठेकेदार की लापरवाही से स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित जिले के आदिवासी अंचल के ग्रामीण, जिसको लेकर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। उमरिया जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल बेहाल है। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट चिकित्सक न होने से जहां बीते 6 माह से गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं को उचित चिकित्सकीय सुविधा नहीं मिल रही है, वहीं सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी 108 एम्बुलेंस और जननी सुरक्षक के वाहन 100 पीस बने हुए हैं। आलम यह है कि जिले भर में 108 एम्बुलेंस और जननी सुरक्षा के वाहन मेंटेनेंस न होने से खड़े हैं और आदिवासी बाहुल जिले के ग्रामीण अंचल के नागरिक चिकित्सकीय सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। आदिवासी जिला है और आदिवासी जिला होने की वजह से सुविधाएं शासन द्वारा तो उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन लोगों तक वो सुविधाएं पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही। उसकी वजह यह है कि कुछ प्रशासनिक कमियां हैं, कुछ ठेकेदार की लापरवाही है, जिसकी वजह से ये सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही। गरीब आदिवासी अंचल के लोग, प्रसूताएँ रास्ते में परेशान हो रही हैं, रास्ते में डिलीवरी हो रही है, क्योंकि वाहन तात्कालिक रूप से जब जरूरत होती है तो उपलब्ध नहीं हो पाता और कई वाहन जिला चिकित्सालय के स्टोर रूम और परिसर में कंडम स्थिति में पड़े हुए हैं। अगर प्रशासन इस पे चाहे तो उनकी रिपेयरिंग करा करके, और जो यहाँ पर वाहनों की कमी है जिसकी वजह से सुविधाएं समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रही लोगों को, वो कमी पूरी की जा सकती है। लेकिन पता नहीं प्रबंधन की क्या सोच है और क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। लगभग 10 से 15 वाहन 108 के यहाँ खंडम की स्थिति पड़े हुए हैं। स्थिति ऐसी है कि लोगों को सुविधाएं शासन द्वारा तो उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन वहां तक सुविधाएं पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही। उमरिया जिले में 9 108 एम्बुलेंस और 14 जननी सुरक्षा के एम्बुलेंस शासन द्वारा प्रदान किए गए हैं, लेकिन भोपाल में बैठे ठेकेदार की लापरवाही से एम्बुलेंस वाहन का समय पर मेंटेनेंस नहीं कराए जाने से ये वाहन मरीजों के किसी काम नहीं आ पा रहे हैं। जबकि एकीकृत ठेका प्रणाली के बाद ठेकेदार को शासन द्वारा मोटी रकम भी अदा की जाती है। बेहाली का आलम यहाँ तक है कि कई वाहनों के महज टायर खराब हो जाने से उन्हें खड़ा कर दिया गया है। मामले की जानकारी के बाद जिले के सिविल सर्जन ने संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की बात भी कही है। आदिवासी बाहुल उमरिया जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने में शासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार प्रबंधन और ठेकेदार की लापरवाही से जनता को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। देखना होगा कि CS की कार्रवाई के बाद आदेश आम जन को कितनी राहत पहुँचाते हैं। चूँकि हमारे पास विशेषज्ञों की कमी है, तो उन विशेषज्ञों की कमी को पूर्ति करने के लिए ताकि मरीजों को पर्याप्त इलाज मिल सके, इसलिए बड़े सेंटर्स में जैसे कि जबलपुर, शहडोल या कटनी वगैरह भेजा जाता है। इनको भेजने के लिए हमें 108 को बुलाना पड़ता है, परंतु 108 की जो सुविधा है वह कई बार सही समय पर नहीं मिल पाती है। तो इस समस्या के चलते हमें हमारी संस्था में उपस्थित 108 को भेजना पड़ता है, और यदि 108 संस्था की भेजनी पड़ती है तो उसमें कई बार स्टाफ को भी भेजना पड़ता है, जिससे हमें समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो हमारा आपसे भी निवेदन है और 108 सुविधा प्रदान करने वाले जो संस्थाएं हैं उनसे निवेदन है कि इसको नियमित रखें और मरीजों को इसका संपूर्ण लाभ हो सके। क्या आगे उनको नोटिस या कुछ ऐसी कार्रवाई होगी जो लापरवाह है? इसकी नोटिस देने का अधिकार जो संबंधित अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, जरूर करेंगे और हम करवाने की कोशिश करेंगे।